तो 2 साल पहले जब मैंने एडिटिंग करना शुरू किया था तो मेरे को एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं ऐसा सोचता था कि हमको खाली अपनी वीडियोस को सॉफ्टवेयर में डाल देना है और 2-4 इफेक्ट्स डालेंगे और वीडियो हमारी एकदम अमेजिंग बन के आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इन 2 साल में बहुत सारी गलतियाँ भी करी, लेकिन आप लोग वो गलती नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हूँ ना। तो हेलो एवरीवन, आई एम ललित, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड अ वीडियो एडिटर। टुडे आई विल पॉइंट आउट 5 कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरी बिगिनर मेक्स व्हेन स्टार्टिंग एट प्रीमियर प्रो एंड सम अमेजिंग टिप्स टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव योर वर्क फ्लो। तो पहली गलती की अगर हम बात करें तो वो है ऑडियो सिंक। आपने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अब बात आती है कि उसमें ऑडियो सिंक करी जाए। तो मैं पहले अपनी ऑडियो और वीडियो दोनों को टाइमलाइन में लाके खुद मैन्युअली एडजस्ट करके सिंक करता था, लेकिन इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता था। और प्रीमियर प्रो में एक ऑप्शन है जिससे आपकी ऑडियो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी आपकी वीडियो के साथ। आपको राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज में क्लिक करना है और यहाँ से ऑडियो सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रैक और ओके प्रेस करना है। दूसरी मिस्टेक की मैं बात करूँ तो मैं पहले किसी भी तरीके का कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ नहीं करता था और मैं सब मैन्युअली ही करता था। मेरे को बस एक ही कीबोर्ड शॉर्टकट पता था, Ctrl+S। लेकिन जब से मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता था और आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आप भरोसा करो मेरे पे। वन ऑफ माय फेवरेट कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ रिपल डिलीट राइट और रिपल डिलीट लेफ्ट, और इसकी शॉर्टकट की है Q&W। अगर आपको अपनी किसी क्लिप के फ्रंट वाले पार्ट को डिलीट करना है तो आपको सिंपली क्यू प्रेस करना है, और अगर आपको अपनी वीडियो के टेल वाले पार्ट को डिलीट करना है तो आपको W प्रेस करना है। इससे आपकी वीडियो कट भी हो जाएगी और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं बचेगा। और अगर आपको और भी शॉर्टकट्स जानने हैं प्रीमियर प्रो के, तो मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स डालते रहता हूँ शॉर्टकट की, के आप देख सकते हो जाके। तीसरी मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने अपना कोई भी कस्टम प्रीसेट फोल्डर नहीं बनाया था। आप भी जो इफेक्ट्स या ट्रांजिशंस को बार बार यूज करते हो, उसको एक सेपरेट फोल्डर बना के उसमें रख सकते हो। तो आपको राइट क्लिक करना है और न्यू कस्टम बिन पे क्लिक करना है, और इसको आप अपने नेम भी कर सकते हो। तो मैं इसको माई पर्सनल करके सेव कर लेता हूँ, और इसमें आप वो इफेक्ट्स डाल सकते हो जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। जैसे मैं मल्टी बैंड कंप्रेसर को अपनी हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। और दूसरा है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, तो आप देख सकते हो कि दोनों इफेक्ट्स इसमें आ चुके हैं। चौथी गलती मेरी ये थी कि मैं प्लगइन्स का यूज़ नहीं करता था। प्रीमियर प्रो में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं और उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो। जैसे एक प्लगइन है बीट एडिट। बीट एडिट क्या करता है कि आपकी ऑडियो में जहाँ जहाँ पे भी बीट है वहाँ पे 1 क्लिक में मार्क लगा देगा पूरी ऑडियो में। इससे आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी ऑडियो सुनो फिर MMM प्रेस करके मार्क लगाते रहो। तो इस प्लगइन से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा वो प्रीमियर प्रो में चल के बात करते हैं। को जाना है विंडोज़ में, यहाँ से एक्सटेंशन में, और ये देखो ये बीट एडिट करके आ गया है। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है, फिर आपका ये पैनल खुल जाएगा। आपको अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको मार्क लगाना है, तो फिर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से लोड म्यूजिक करना है। तो 1 क्लिक से इसमें सिंपली देख सकते हो आप आपके ऑडियो में हर जगह पे मार्क लगा दिए हैं। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं इसको ऑटोमेटिक में ही छोड़ देता हूँ। जब आपको सही लगे तो आपको मार्क लगाने के लिए क्रिएट मार्कर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि 1 क्लिक से कैसे आपकी टाइमलाइन में हर बीट पे मार्क लग चुका है। और एक और प्रो टिप, अगर आप वेडिंग रिलेटेड काम करते हो या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हो, म्यूजिक वीडियोस एडिट करते हो, तो आपको बहुत सारी वीडियोस को अपने ऑडियो में छोटे छोटे पोर्शन में लगाना होता है बीट के हिसाब से। उसको आप 1 क्लिक में भी कर सकते हो इजीली। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इन वीडियोस को मेरे पे इन मार्क पे लगाना है और ये ऑटोमेटिकली लग जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी वीडियोस को। आप जिस ऑर्डर में सिलेक्ट करोगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे लगेगी टाइमलाइन में आपकी वीडियोस। फिर जैसे आपने सिलेक्ट कर ली, आपको जाना है यहाँ से क्लिप में, तो ऑटोमेटो सिक्वेंस प्ले क्लिक करना है और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो कितने सिंपली आपकी वीडियोस इन मार्क में फिट हो चुकी है। और पांचवी मेरी गलती ये थी कि मैं मीडिया एनकोडर का यूज़ नहीं करता था। तो जब भी मैं अपनी वीडियो को रेंडर में लगाता था तो जितना भी रेंडर का टाइम होता था मेरे को उतना वेट करना पड़ता था, और मैं अपने पीसी में कुछ भी काम नहीं कर पाता था। तो कभी कभी रेंडर 30-40 मिनट भी ले लेता था, तो मैं अपने पीसी में कुछ काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मैंने मीडिया इनकोडर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी बैकग्राउंड में रेंडर भी होती रहती है वीडियो, और मैं एडिटिंग या कुछ भी और काम चाहूँ तो मैं वो कर लेता हूँ इजीली। तो मीडिया एनकोडर का यूज़ कैसे करना है चलो देखते हैं। जैसे आपकी वीडियो पूरी एडिट हो गई तो आपको सिंपली Ctrl+M प्रेस करना है और यहाँ से आपको ये क्यू में क्लिक कर देना है, तो आपका मीडिया एनकोडर खुल जाएगा सिंपली।
और एक मेन बात, आपका मीडिया इनकोडर और प्रीमियर प्रो सेम वर्जन का होना चाहिए। जैसे आपका प्रीमियर प्रो 2020 है और मीडिया इनकोडर 2021 है तो ये नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो आपकी क्लिप यहाँ पे आ गई है सीक्वेंस वन नेम से, और ये देखो ये एक्सपोर्ट होने लग गई है। एक साथ आप 10-10, 12-12 भी कर सकते हो। और मीडिया इनकोडर का एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अपने आईफोन की वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट निकालोगे प्रीमियर प्रो में, तो प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट नहीं होती है वो, लेकिन आप मीडिया इनकोडर से आईफोन की वीडियोज एक्सपोर्ट हो गया तो इजीली हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडिटिंग। ओके बाय।